तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, होपफुली ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में वसीम भाई के साथ। आज हम लोग आ गए हैं जबल जैस एरिया, यहाँ पर आप लोगों को चलिए सीन दिखाते हैं। नज़ारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट बैड लक वसीम भाई की वजह से ये मुझे झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे खाना खाना है रास्ते में, और खाना खाने की वजह से हम लेट हो गए। और ये आप सामने अगर देख रहे होंगे तो जैस स्लाइडर, इसको हमने मिस कर दिया। काफ़ी रोमांचकारी होने वाला था ये हमारा सफ़र, लेकिन ये टिकट अभी नहीं मिलने के बाद बंद हो गया। देखिए लाइन कितनी लगी हुई है भाई। तो इसका 40 दिरहम प्राइस है, और यहाँ से स्लाइडिंग करेंगे आप देख रहे होंगे अगर सामने, तो काफ़ी एडवेंचरस होने वाला था ये हमारा। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें क्या है, वो उसके टकरा भी सकता है ना। सिर्फ और सिर्फ वसीम साहब की वजह से हमें ये चीज़ देखना पड़ रहा है। आइए आप लोगों को आगे और भी कुछ नज़ारा सीन पहाड़ियों का दिखा देते हैं जबल जैस। हाँ हाँ ओ कोई हाँ, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इंतखाब साहब भी काफ़ी इंतखाब में है। तो ये हम लोग मिस किए। हाँ अच्छा, ये वाली जिप लाइन है यहाँ पे शायद, अभी ये भी क्लोज हो गया, सब कुछ क्लोज हो गया भाई। उधर से लोग है ना, हाँ वो जो रोड और वो ये सब, हाँ लोग आए तो चलें आगे चलते हैं पैदल। चलो आइए, तो वहाँ से हम लोग आगे चल के थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा मिस किए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलना चाहेंगे, कब आएंगे हम लोग? ये सिर्फ खाना खाने की वजह से ऐसा हुआ, आपके वजह से। ये डायलॉग किसका था कि खाना जरूरी है, घूमना जरूरी नहीं है। इधर से जाएंगे, ये पार्किंग फ्री है इधर? हाँ फ्री है, फुल फ्री है, फ्री है, फ्री है पार्किंग। तो आज संडे है ना, एक्चुअली आज छुट्टी है, इस वजह से रश है। तो ये नज़ारा है जबल जैस। तो ये जबल जैस जो आप देख रहे हैं रासल खेमा के अंदर है, और ये जिप लाइन से यहाँ लोग लटक के यहाँ से पार हो जाते हैं, अगर तार आप लोगों को दिखाई दे रही होगी तो शायद। काफ़ी लोगों का रश है यहाँ पर, और यहाँ पे जो ये हमने मिस किया है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं इसको मिस किया। जाने के लिए वहाँ पे वहाँ तक चले गए, हाँ। फिर वहाँ से ऊपर फिर आगे भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उधर वाला शॉट, वहाँ पर देख जाएगा वो। हाँ मतलब 40 दिरहम में पैसा वसूल है वहाँ, देखे काफ़ी लंबा है, जद्दोजहद करने के बाद ऊपर चढ़ रहा है वो बंदा छोटी वाली कार में। तो गाइस ये एरिया जैस स्लाइडर ये हमने मिस कर दिया है, तो इसका मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम लगाकर यहाँ तक पहुँच पाए, और इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, दिस टाइम नेक्स्ट टाइम। ये मिस हुआ है खाने खाने के चक्कर, सिर्फ खाना खाने के। वसीम साहब को बोलते हैं कि खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है वैसे, तो इस वजह से वो मिस कर दिए खाना खाने की वजह से। यही वो शख्स है, ध्यान से देखिए दोस्तों। और अभी आप सीधा वहाँ से इमरात रोड पकड़ लेते हैं, सज्जा में वहाँ पे सज्जा में खाना खा लेंगे। ये उन्होंने बोला नहीं, भूख लग रही है, आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोला असलियत कुछ और है दोस्तों, खाना ज़रूरी है या फिर घूमना ज़रूरी है। फिर वहाँ से जवाब आया, खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग दुबई में हैं गाइस, तो यहाँ पर अगर आना चाहते हैं आप, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप आने का आपका कॉस्ट जो है वो जो है, बाकी सारी चीज़ें फ्री है, वाशरूम वगैरह सारा अवेलेबल है, जाइए भाई वाशरूम जाइए आप, फीमेल है, और यहाँ पर आपको ये स्लेडर मिल जाएगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है, मज़ेदार। तो चलिए टाटा बाय बाय जबल जैस स्लेडर, नेक्स्ट टाइम आपको हम लोग विजिट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस वसीम साहब की वजह से।
ये जबरदस्त को हम लोगों ने मिस किया। चलो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा रास्ता यहाँ का जो रोड है एडवेंचरस है वो आप लोगों को दिखाते हैं, तो ये भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। चलिए बाहर गाइस व्यूइंग पार्क, यहाँ से अच्छा व्यू के लिए यहाँ पर पार्क बनाया गया है। 5 दिरहम यहाँ का टिकट है, तो एक्चुअली हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोग जिस वजह से आए थे वो हमारा पूरा सक्सेस नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं, व्यूइंग डेक पार्क। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो जब जैस क्या था स्लाइडर, जैस स्लाइडर में हम लोग जरूर विजिट करेंगे और जल्दी आएंगे। इस बार सेकंड हाफ में आए, फर्स्ट टाइम में आएंगे, फर्स्ट हाफ में। तो चलिए आई थिंक ये इनफ था वसीम साहब, बस आज हो गया, आज के लिए इतना इनफ है। जाने के बाद तो लास्ट पर देख के चाय पिएंगे, जी जी कैफेटेरिया में रुक के चाय पियेंगे, और वहाँ पे हम लोग चाय पीने के बाद फिर निकलेंगे अपने अपने रूम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एडवेंचर और खूबसूरत और भी कुछ नया लेके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।